आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए कायस्थ समुदाय के चार धामों के बारे में विस्तार से। इन चार स्थानों में स्थित भगवान चित्रगुप्त महाराज के देवालयों को माना जाता है कायस्थों का चार धाम। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सृष्टि से रचिता भगवान ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के वैसे तो देश भर में अनेक देवालय हैं, परंतु इनमें से पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रथम चार मंदिर कायस्थों के चार धामों के समतुल्य महत्व रखते हैं। ये महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध तो है कि प्रश्न है हमारी आस्था और विश्वास का है। देश में चार स्थानों के देवालयों को कायस्थ समुदाय के चार धाम के रूप में जाना जाता है। आइए आज हम आपको इन चारों धाम के बारे में बताते हैं विस्तार से। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा, जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूली। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के प्राचीन उज्जैनी शहर जो अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, इस उज्जैन जिले के अंकपात में स्थित शिला मंदिर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार मान्यता है कि कायस्थों के आदि पूर्वज न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का प्रादुर्भाव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पौराणिक अवनितका अथवा उज्जैनी के अंकपात क्षेत्र में हुआ था। यहीं पर उन्होंने देव गुरु बृहस्पति तथा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से सभी शिक्षाएं प्राप्त करके धर्मराज के सहायक का पदभार ग्रहण किया था। पद्म पुराण के सृषित खंड में आख्यान है कि सृषित की रचना के समय उत्पन्न तमाम जीवधारियों के कर्मानुसार फल देने का दायित्व विवस्वान पुत्र यम को, जिन्हें धर्मराज की उपाधि से भी विभूषित किया गया था, को दिया गया था। उज्जैन जहाँ सिंहस्थ सूर्य के कुंभ के आयोजन के लिए जाना जाता है, वही शिव के 14 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर महाकाल के पावन मंदिर के लिए हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। उत्तर वैदिक और पौराणिक इतिहास में दक्षिणा के पथ पर स्थित होने के कारण उज्जैन एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित अवनितका अथवा उज्जैनी वर्तमान उज्जैन भारतीय पुराणों में एक पवित्र मोक्षदाता तीर्थ बताया गया है और अंकपात क्षेत्र जहाँ न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने तपस्या करके सर्वज्ञता की थी, उज्जैन नगर से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। सन 1985 ईस्वी में क्षिप्रा नदी के किनारे इसी अंकपात के वन क्षेत्र में एक चौकोर शिला स्थापित थी, जिसके एक ओर संभवतः धर्मराज यमराज महाराज और दूसरी ओर न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के चित्र उकेरे हुए थे। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की रामनगरी अयोध्या का चित्रगुप्त धाम आता है। यहाँ श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर है। श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर वर्तमान में सरयू नदी के दक्षिण नया घाट से फैजाबाद राजमार्ग पर स्थित तुलसी उद्यान से लगभग 500 मीटर पूर्व दिशा में डेरा बीबी मोहल्ले में बेतिया राज्य के मंदिर के निकट है। वैसे नया घाट से मंदिर की सीधी दूरी लगभग 1 किलोमीटर मानी जा सकती है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने इस मंदिर की स्थापना की थी और धर्मराज जी को दिए गए वरदान के फलस्वरूप ही धर्मराज जी के साथ इनका नाम जोड़कर इस मंदिर को श्री धर्महरि मंदिर का नाम दिया है। श्री अयोध्या महात्म्य में भी इसे श्री धर्महरि मंदिर कहा गया है। किंवदंती है कि विवाह के बाद जनकपुर से वापस आने पर श्री राम सीता ने सर्वप्रथम धर्महरि जी के ही दर्शन किए थे। धार्मिक मान्यता है कि अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को अनिवार्यतः श्री धर्महरि जी के दर्शन करना चाहिए, अन्यथा उसे इस तीर्थ यात्रा का पुण्यफल प्राप्त नहीं होता। अयोध्या के इतिहास में उल्लेख है कि सरयू के जल प्रलय से अयोध्या नगरी पूर्णतया नष्ट हो गई थी और विक्रमी संवत के प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य ने जब अयोध्या नगरी की पुनर्स्थापना की तो सर्वप्रथम श्री धर्महरि जी के मंदिर की स्थापना कराई थी। इसके बाद आता है तीसरे धाम का स्थान, तमिलनाडु के कांचीपुरम पौराणिक कांचीपुरी का श्री चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तीसरे धाम के रूप में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के तमिल ग्रंथ कर्णिगर पुराणम के साथ ही विष्णु धर्मायत पुराण में भी श्री चित्रगुप्त स्वामी के नाम से ज्ञात न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के वशंज माने गए करुणिगर कायस्थों का उल्लेख मिलता है।
इन्हीं श्री चित्रगुप्त स्वामी का एक भव्य मंदिर मंदिरों की नगरी कांचीपुरम में नगर के मध्य में स्थित है। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में इनकर्निग्रो की मान्यता वैसी ही है जैसी उत्तर भारत के 12 चित्रगुप्त वंशी कायस्थों की। परंतु करुणीगर पुराणम के अनुसार श्री चित्रगुप्त स्वामी एक नीला देवी से भगवान सूर्य के पुत्र है। श्री चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर कांचीपुरम नगर के मध्य में श्री रामकृष्ण आश्रम से लगभग 1 फरलांग जो 1 मील का 8वां भाग होता है अथवा लगभग 4.5 किलोमीटर माना जा सकता है की दूरी पर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह चबूतरा इतना ऊंचा है कि कोई भी दर्शनार्थी नीचे खड़े होकर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति के दर्शन नहीं कर सकता। उसे चबूतरे पर ऊपर चढ़ने के बाद ही श्री चित्रगुप्त स्वामी के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। मंदिर का स्थापत्य बहुत सुंदर भव्य और गरिमामय है। मंदिर के गर्भगृह में हाथों में कलम दवात लिए हुए भगवान चित्रगुप्त स्वामी के साथ ही देवी कानकी की कांस्य प्रतिमा स्थापित है। इसी क्रम में चौथा धाम बिहार के पटना सिटी के दीवान मोहल्ले में नौजरघाट स्थित श्री चित्रगुप्त आदि मंदिर पटना मगध की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र तथा बिहार राज्य के आधुनिक मुख्यालय पटना में पतित पावनी गंगा के तट पर दीवान मोहल्ला के नौजरघाट पर स्थित इस ऐतिहासिक चित्रगुप्त मंदिर को पटना के कायस्थों ने श्री चित्रगुप्त आदि की संज्ञा क्यों दी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। बताया जाता है कि सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण नंद वंश के अंतिम मगध सम्राट धनानंद ने इतिहास प्रसिद्ध महामंत्री चित्रगुप्त वंशी राक्षस ने ईसा पूर्व कराया था। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण मुगल सम्राट के नवरत्नों में से एक और वर्तमान जिला औरंगाबाद के मूल निवासी और इतिहास प्रसिद्ध शेरशाह सूरी के भी मंत्री रह चुके राजा टोडरमल तथा उनके नायब रहे कुंवर किशोर बहादुर ने करवाकर कसौटी पत्थर की न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की मूर्ति हिजरी सन 980 तदानुसार ईस्वी सन 1574 में स्थापित कराई थी। ईस्वी सन 1766 में राजा सिताबराय ने मंदिर के चारों ओर की भूमि मंदिर के नाम करवाकर 4 दीवारी बनवाई थी। बाद में राजा सिताबराय के पौत्र महाराज भूप नारायण सिंह ने जयपुर से मंगवाए गए नक्काशीदार पत्थरों से मंदिर को भव्यता प्रदान की थी। परंतु देखरेख के अभाव में मंदिर जीर्ण शीर्ण ही नहीं हो गया वरन मंदिर में स्थापित कसौटी पत्थर की मूर्ति तस्करों द्वारा चुरा ली गई थी। तत्पश्चात संवत 2019 तदानुसार ईस्वी सन 1962 में पटना सिटी निवासी चित्रगुप्त वंशी राजा राम नारायण वंशज राय मथुरा प्रसाद जी ने मंदिर में स्फटिक पत्थर की मूर्ति स्थापित करवाकर मंदिर को मंदिर की प्रतिष्ठा दिलाई थी। यही प्रतिमा 11 नवंबर 2007 तक इस मंदिर में शोभायमान थी। इस मंदिर में एक शिव मंदिर भी है। अव्यवस्था के कारण अराजक तत्वों ने उपेक्षित मंदिर परिसर पर अवैध कब्जा करके परिसर को बहुत छोटा कर दिया था। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय लाभ सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों ज्योतिषियों पंचांग प्रवचनों मान्यताओं धर्म ग्रंथों दंत कथाओं किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।